अज़ब्लिम बसमीम्स वरिम्लि वर्क देर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लेट एंड हीट वट इज़ लेट एंड हीट फर्स्ट आई विल टेल यू वट इज़ लेट एंड हीट पहले मैं आपको ये बताऊँगा लेट एंड हीट होती क्या है द हीट इनर्जी वच हैज़ टू बी स्प्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट वो हीट एनर्जी जो हम किसी सब्सटेंस को सप्लाई करते हैं ताकि उसकी जो हालत है वो बदल जाती है तो उस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं अब मसला है कि जब हम किसी चीज़ को हीट सप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है लेकिन यहाँ पर लेटेंट हीट में टेम्परेचर नहीं बढ़ जाता है डियर स्टूडेंट्स देयर इज नो राइज इन द टेम्परेचर इन केस ऑफ द लेटेंट हीट वाई आपको मालूम होना चाहिए कि जो कोई भी सब्सटेंस है चाहे सोलिड या लिक्विड है इसके जो कॉन्स्टिचुएंट पार्टिकल्स है कॉन्स्टिच्यूंट पार्टिकल्स जो इसके होते हैं उनके दरम्यान एक फोर्स होता है डियर स्टूडेंट्स वरी सबस्टेंस हैज कॉन्स्टेंट पार्टिकल एंड देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल विच कूड बी ऑलटेदर डिफरेंट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के दरमियान और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो जरूरी होता है कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करनी है तो लेट एंट हीट जो होती है ये हम सप्लाई करते हैं ये यूज़ होती है टू ओवरकम दिज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ़ सबस्टेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट जब हम एक सबस्टेंस की स्टेट को चेंज करते हैं उसकी हालत को चेंज करते हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इन के दरमियान तो इसको ओवरकम करने के लिए वो हीट जो है ज़रूरत लगती है यही वजह है कि जब हम यहाँ पे हीट देते हैं तो इससे इस सबस्टेंस का जो टेम्परेचर है दैट डज नॉट इंक्रीज वह इंक्रीज नहीं होता है अब जो लेटेंट हीट जो है ये दो दोस्मों में होती है लेटेंट हीट एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये क्या है द क्वानिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिकायनवर्ट वन के जी ऑफ एसोलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड विदाउट चेंज इन इट्स इस टेम्परेचर कि जो हीट हम जूल्स में जूल्स में जो हीट हम फराहम करते हैं एक किलोग्राम सोलिड को अपने मेल्टिंग पॉइंट में लिक्विड में बदलने के लिए बगैर टेम्परेचर बढ़ाए यानी इसमें कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ता है इसका टेम्परेचर बिल्कुल इंक्रीज नहीं होता है रेज़ नहीं होता है चेंज नहीं होता है टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं होती है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस अगर हम आइस की बात करेंगे तो दिस हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज थ्री पॉइंट थ्री फोर इंटू पावर फाइव जूल पर के जी जे पर के जी यानी जब हम एक किलो आइस एक किलोग्राम आइस को लिक्विड में तब्दील करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट पर आइस का मेल्टिंग पॉइंट जीरो डिग्री है तो इसको हमें तीन अशेरिया तीन चार मल्टीप्लाइड बाय टेन रिज पावर फाइव जूल्स एनर्जी लगनी है जूल्स uh, एनर्जी दे देनी है देनी है ताकि ये इसमें तब्दील होगा तो अब हमें क्या है कि राइज ऑफ़ टेम्परेचर यहाँ भी नहीं होता है राइज ऑफ टेम्परेचर यहाँ भी नहीं होता है वी हैव सीन दैट वेन आइस मेल्टज द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम नाव एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक अहम सवाल ये है कि वेयर डज द हीट गो जो हम हीट देते हैं ये हीट कहाँ जाती है एक्चुअली दिस हीट एनर्जी इज यूज अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस बाई ओवरकमिंग यहाँ भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द आइस उनको ओवरकम करने के लिए ये हीट जो है एनर्जी हीट एनर्जी जो है ये जरूरत लगती है तो हम इससे भी हम अगर हम करेंगे कि आइस जो है आइस एक सोलड सबस्टेंस है जो इसके पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को स्ट्रांग फोर्सेस से अट्रैक्ट करते हैं और ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ये इन पार्टिकल्स को अब बिल्कुल नज़दीक नज़दीक रखते हैं जो हीट हम सप्लाई करते हैं आइस को मेल्ट करने के लिए ये इन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन द पार्टिकल्स इनको ओवरकम करने के लिए ज़रूरत लगती है और इसी वजह से कि ये जो हीट इन एनर्जी हम देते हैं द हीट एनर्जी डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इससे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज नहीं होती है इसलिए नो राइज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस लेकिन जब आप मेल्टिंग ऑफ आइस होती है तो इससे कोई राइज इन टेम्परेचर नहीं होता है टेम्परेचर नहीं बढ़ता है जो जब टेम्परेचर नहीं बढ़ता है तो क्या होता है फर्दर हीटिंग जूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस बाई देन ऑल द माइस इज मेल्टेड फ्राम वाटर फर्दर हीटिंग इंक्रीज द कैनिडिक एनर्जी अब अगर सारा आइस वाटर में तब्दील हो गया अगर हम फिर हीट देंगे तो इससे टेम्परेचर बढ़ सकता है तो लेटेंट हीट ऑफ आइस जो है वो है थ्री पॉइंट थ्री फोर मल्टीप्लाइड बाई टेन एज पावर फाइव के जी जूल्स पर के जी जूल्स पर के जी इसी तरह अब हम दूसरी चीज पर जाएंगे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पहले हम इसकी डिफिनीशन बताएंगे द क्वांटिटी ऑफ हीट ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन के जी ऑफ अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इन टू गेस विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर यानी हम कितनी हीट फराहम करते हैं आ, एक आ, जूल्स uh, में कितनी हीट uh, फ्राहम करते हैं एक लिक्विड को ताकि वो अपने बॉयलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाएगा गैस में कन्वर्ट करने के लिए और यहाँ भी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आती है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जो है दैट इज ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर फाइव जूल्स पर के जी यानी जब हम ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव फॉर फाइव जूल्स एनर्जी सप्लाई करते हैं हीट सप्लाई करते हैं ए के जी लिक्विड को तो ये चेंज होता है गैस में तो ये चेंज होता है गैस में जिस तरह हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा, इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है द क्वान्टिटी ऑफ हीट in joules required to convert 1 kg of a liquid at its boiling point into gas without changing its temperature. Latent heat of vaporization of water is 22.5 into 10 raised to the power, uh, power 5 joules per kg. तो जिस तरह हमने देखा कि सोलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं तो ये हीट एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं ये उसी को लगती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए तो इसी तरह जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वन इज द वाटर हैज़ बिगन द टेम्परेचर ऑफ मैन इज कॉन्स्टेंट एट हंड्रेड डिग्री अनटिल द वाटर हैज चेंज इन स्टीम लेटेंट ऑफ ही क्वानिटीट इन जूलोग्रामी सप्लाइड लिक्विड इज यूज ये हीट एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं किस इज यूज इन द चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ ए लिक्विड इसमें स्टेट ऑफ लिक्विड हीट एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं ये यूज होती है चेंज ऑफ इन चेंज ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ लिक्विड जो लिक्विड का स्टेट होता है इसको चेंज करने के लिए ये हीट एनर्जी यूज होती है तो बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट पार्टिकल्स जो इसके पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए यह हीट जो हम सप्लाई करते हैं यह इस्तेमाल होती है तो अब जो बात है कि वाई द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डज नाट राइज इवन थ्रो हीट इज बींग गिवन कंटिन्यूसली हम लगातार हीट देते हैं लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा बढ़ेगा फिर एक बार हम यही कहेंगे कि जो इसके कॉन्स्टुंट पार्टिकल्स होते हैं डेयर स्टूडेंट्स दी कॉन्स्टुंट पार्टिकल्स दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड टू ओवरकम दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द हीट एनर्जी इज यूज्ड नाउ व्हेन वाटर चेंज इनटू स्टीम इट अब्सॉर्ब्स लेट एंड हीट बट व्हेन स्टीम कंड टू फॉर्म वाटर इक्वल अमाउंट ऑफ जब वाटर स्टीम में चेंज होता है स्टीम ये अब्सॉर्ब करता है लेट हीट अब्सॉर्ब्स लेट हीट लेटेंट हीट लेकिन जब स्टीम कंडेंस होती है एस टी ई एम स्टीम इसको कंडेंसेशन होती है कंडेंस और वापस इसको वाटर बनता है तो ये क्या करता है ये स्टीम जब कंडेंस होती है तो वापस इसको वाटर बनता है और ये क्या करता है ये स्टीम ये इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जो है इक्वल अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे वापस देता है इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज़ गिवन आउट इज गिवन आउट यहाँ तो उतनी ही हीट वापस आती है जितनी कि यहाँ ये एब्जर्व करता है वाटर तो इसी से हमें पता चलता है कि क्या होता है कि वैन स्टीम फॉल्स ऑन अवर स्किन तो इससे ये पता चलता है कि जब बर्नज जो होते हैं इट हैज़ बीन फाउंड डेट द बर्नज कॉज बाय द स्टीम आर मच मोर सीवियर दैन दोज बाई दॉयलिंग वाटर देखा गया है कि जो बर्नज होते हैं से कोई साथ दज कहाँ जब बर्नस होते हैं कोई अगर जल जाता है तो स्टीम से अगर जल जाता है तो वो ज़्यादा सीवियर होता है बनस्बती कि अगर उबला हुआ पानी हो गर्म पानी हो उससे कोई जल जाता है तो उससे वो ज़्यादा जल, जल 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 जाता है से. कि कि स्टीम है है, जा है। है, से क्योंकि दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट स्टीम कंटेंस मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लिटेंट हीट ये बर्नस जो हैं स्टीम से ज़्यादा होते हैं स्टीम बर्नज आर मोर सीवियर आर मोर सीवियर देन बर्नज ऑफ बॉइलिंग वाटर क्योंकि जो स्टीम होती है इट कंटेन्स मोर हीट इसमें हीट ज्यादा होती है मोर हीट लेटेंट हीट इसमें ज्यादा होती है मोर इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट देन बॉयलिंग वाटर इन द फार्म ऑफ लटेंट हीट दें बॉलिंग वाटर इसटीमान अद हट आ लट ही हट किस सूरत मे बस्पति ग्रकुन आबा च ड्टूडेंटस तो तो इससे हमें पता चला आज कि हमने पढ़ा लेट एट हीट पहले क्या होता है दीट Uh, supply to a substance to change its state from one form to another form is called the latent heat it has two types latent heat of fusion and latent heat of vaporization the latent heat of fusion is the heat uh, quantity of heat in joules required to convert 1 kg of a solid at its melting point to liquid without any change in temperature latent heat of fusion of ice is 3.34 and 10 raised 5 joules per kg and you have also studied the temperature does not change because the heat energy is used to overcome the force of attraction between the particles. Similarly, the latent heat of vaporization, it is the quantity of heat in joules required to convert uh, the boiling point into gas without changing its temperature. Latent heat of vaporization of uh, water is 22.5 into 10 to the power of 5 joules per kg. जो लेटेंट हीट होती है इट इज़ यूज इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए लिक्विड ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स एंड जो लेटेंट हीट होती है तो यहाँ भी टेम्परेचर क्यों नहीं है हमने पढ़ा कि टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं होती है बर्नज अगर होंगे स्टीम uh, से तो स्टीम के बर्नज़ ज्यादा खतरनाक होते हैं बनस्बती जो गर्म पानी होता है बिकॉज स्टीम में जो है हीट uh, ज़्यादा होती है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट सो डियर स्टूडेंट्स आई होप दैट यू मस्ट हैव uh understood it and you will remember it forever thanks stay blessed and stay at your home okay